अस्सलाम वालेकुम बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरा नाम है प्रोफेसर मोहम्मद नईम। आज मैं आपको HCS के YouTube चैनल पर डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की एप्लीकेशन और वान डर वाल इक्वेशन जो है वो बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। कि डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या है सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए और फिर उसकी जो है हम एप्लीकेशन पढ़ते हैं। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये है कि टोटल प्रेशर जो होता है दिस इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द नॉन रिएक्टिंग गैसेस। ये गैसेस आपस में रिएक्ट ना करती हूँ। टोटल प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द नॉन रिएक्टिंग गैसेस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर। सपोज एक कंटेनर है, उसमें तीन गैसेस हैं ए बी सी, ये आपस में रिएक्ट नहीं करती, तो टोटल प्रेशर जो होगा इन तीनों गैसेस के प्रेशर के सम के इक्वल होगा। दिस इज डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब इसकी एप्लीकेशन में हम पहली एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन इसमें फर्स्ट एप्लीकेशन इसकी ज़रूरत ही नहीं, मिटा दें। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की जो फर्स्ट एप्लीकेशन है ये कलेक्शन ऑफ गैसेस ओवर वाटर। अगर किसी रिएक्शन में कोई गैस प्रोड्यूस होती है और उस गैस को हम पानी के ऊपर कलेक्ट करते हैं तो उस सूरत में मसलन एक फ्लास्क है, फ्लास्क को ये स्टैंड पे लगा देंगे, यहाँ से हम यहाँ भी रिएक्शन हो रही है यहाँ पे और गैस प्रोड्यूस हो रही है, उस गैस को हम यहाँ पे पानी, कोई गैस यहाँ प्रोड्यूस हो रही है, उसके मालिक्यूल जो हैं गैस के, ये गैस है गैस ए, इसके मालिक्यूल जो हैं यहाँ से होते हुए इधर आ रहे हैं और यहाँ पर गैस ए के मालिक्यूल्स हैं, मालिक्यूल्स ऑफ गैस ए। अब यहाँ पे जो गैस के मालिक्यूल्स होंगे ये ड्राई नहीं होंगे, इसमें मॉइस्चर, यानी क्योंकि वाटर के ऊपर है तो हम कहेंगे मॉइस्ट गैस। इसका जो प्रेशर होगा ये प्रेशर ड्राई गैस और वाटर वेपर्स जो हैं इनका सम होगा, यानी ये गैस ड्राई नहीं होगी, इसमें मॉइस्चर भी शामिल होगी क्योंकि ये पानी है नीचे, ये वाटर है, वाटर के ऊपर हम कलेक्ट कर रहे हैं इस गैस को। आपने ड्राई गैस का प्रेशर निकालना है, दिस इज इक्वल टू प्रेशर, यानी टोटल प्रेशर हो गया ना, यानी जिसमें दोनों शामिल है, मॉइस्ट गैस यानी गैस भी इसमें शामिल है, वाटर वेपर भी शामिल है, उसका प्रेशर, उसमें से आप वाटर वेपर्स जो हैं इनका प्रेशर माइनस कर दें तो डैट इज़ प्रेशर ऑफ ड्राई गैस। सपोज एक गैस जो है इस कंटेनर में कलेक्ट हो रही है तो टोटल प्रेशर जो है यानी मॉइस्ट गैस का जो प्रेशर है ये 700 मिलीमीटर है एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो वाटर वेपर्स हैं, वाटर वेपर्स इनका प्रेशर जो है ये सपोज 30 मिलीमीटर, तो आपने क्या करना है, आपने ड्राई गैस जो है उसका प्रेशर बताना है। देखिए ये जो वाटर वेपर्स का प्रेशर है ये वाटर की क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, आप पढ़ चुके हैं गैस उसमें लिक्विड के चैप्टर में कि जो वेपर प्रेशर होता है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड, इट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। तो जिस टेम्परेचर पर ये मॉइस्ट गैस कलेक्ट हुई है उसी टेम्परेचर पर जो वाटर वेपर्स हैं उनका प्रेशर 30 मिलीमीटर है। ये आपको जो वेपर प्रेशर है लिक्विड का चैप्टर उसमें वेपर प्रेशर किस तरह से किसी लिक्विड का फाइंड करते हैं उसका प्रोसीजर गिवन है, जब हम उस चैप्टर को डिस्कस करेंगे मैं ये भी आपको बताऊंगा। तो अभी आप ये समझें कि उसी टेम्परेचर पर जिस पर मॉइस्ट गैस जो है इस पर कलेक्ट हुई है इसका प्रेशर 700 है और इसी टेम्परेचर पर जो वाटर वेपर्स हैं उनका 30 मिलीमीटर प्रेशर, तो ड्राई गैस का प्रेशर किसके इक्वल होगा,
ड्राई गैस जो है इसका प्रेशर होता है किसके इक्वल, जो मॉइस्ट गैस है और इसमें से वाटर वेपर्स, बाज़ दफ़ा इसको एक्वस टेंशन भी कहते हैं, एक्वस टेंशन भी वाटर वेपर्स का प्रेशर, तो ये किसके इक्वल होगा जी, ड्राई गैस, ये कितना है 700 मिलीमीटर माइनस 30 मिलीमीटर, ठीक, तो इसमें से आप 700 में से 30 माइनस कर दें तो 670 मिलीमीटर जो होगा ये उस ड्राई गैस का प्रेशर होगा जो पानी के ऊपर कलेक्ट हुई। तो ये उसी सूरत में हो सकता है पॉसिबल जब डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अप्लाई हो रहा हो। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या है कि टोटल प्रेशर जो है, यानी इस केस में गैस ए और वाटर वेपर्स हैं, उनका टोटल प्रेशर किसके इक्वल है, जो गैस के मॉलिक्यूल हैं और जो वाटर वेपर्स हैं इनके प्रेशर का सम है, दिस इज डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो आप इसकी हेल्प से ड्राई गैस जो है उसका प्रेशर फाइंड कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब इसमें न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, आपको जो है टोटल प्रेशर गिवन होगा, यानी ये ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन में आपको टोटल प्रेशर बताया जाए, क्वेश्चन में ये बताया गया होगा कि गैस जो वाटर के ऊपर कलेक्ट हुई है प्रेशर ये है, यानी आपको टोटल प्रेशर बताया जा रहा है और किसी टेम्परेचर का भी जिक्र होगा और लास्ट ब्रैकेट में क्वेश्चन के ये लिखा होगा कि उसी टेम्परेचर पर वाटर वेपर जो है या एक्वस टेंशन है वो कितनी है। ये चीज़ याद रखिएगा कि ये टेम्परेचर एक जैसे होंगे, जिस टेम्परेचर पर गैस पानी के ऊपर कलेक्ट हुई है उसका प्रेशर फाइंड किया गया है वो टोटल प्रेशर होगा और उसी टेम्परेचर पर एक्वस टेंशन या वाटर वेपर जो हैं उनका प्रेशर गिवन होगा, तो आपने उस टोटल में से ये माइनस कर लेना है तो ड्राई गैस का प्रेशर आ गया। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो ब्रीदिंग की है, सेकेंड एप्लीकेशन ब्रीदिंग। ब्रीदिंग यानी ऑक्सीजन का इनहेल करना, कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी ऑक्सीजन गैस जो है ये एंटर होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस बाहर आती है, ये इनहेल हो गया और ये एक्सहेल हो गया। जो एटमॉस्फेयर है इसमें ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है, यानी टोटल प्रेशर तो आप जानते हैं 760 मिलीमीटर है, तो उसमें से जो ऑक्सीजन है उसका प्रेशर है 159 मिलीमीटर, और फर्ज करें एक इंसान है कदम भी बना लो, यहाँ पे जो प्रेशर है इसके अंदर जो है बॉडी के अंदर, इसके हाथ भी बना लें, अच्छा जी यहाँ प्रेशर है ऑक्सीजन का 116 मिलीमीटर, ये ऑक्सीजन का प्रेशर। तो क्या होगा कि क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसका प्रेशर ज़्यादा है और बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन है इसका प्रेशर कम है, तो क्या होगा कि ये ऑक्सीजन जो है, यानी ऑक्सीजन मीन एयर जो है, ये हमारे नाक के थ्रू लंग्स में आएगी और प्रेशर डिफरेंस की वजह से डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा कि ये एयर में से ऑक्सीजन जो है वो किसके आ जाएगी, बॉडी के अंदर, यानी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन चली जाएगी और एट द सेम टाइम जो है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम है और जो बॉडी है यानी जो हमारा ब्लड है उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये बॉडी जो है हमारी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका प्रेशर ज़्यादा है, एटमॉस्फेयर में कम है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी से बाहर आ जाएगी, ब्रीदिंग जो है स्मूथली होगी। यानी स्मूथ ब्रीदिंग के लिए ये कंडीशन है, 150 मिलीमीटर जो है प्रेशर होना चाहिए और इसके या तो करीब करीब हो, तो जो है ब्रीदिंग में जो है अनकंफर्टेबल फील नहीं करता इंसान, स्मूथली जो है वो ब्रीद करता है। लेकिन हायर एटीट्यूड में क्या होता है, एट हायर एटीट्यूड जी क्या होता है, सपोज ये पहाड़ है, पहाड़ में नहीं, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसका प्रेशर अभी आपको मैंने बताया 159 मिलीमीटर है और यहाँ जो इंसान पहुँच गया है, आप लोगों को पता है कुछ लोगों को जो है शौक़ होता है पहाड़ों को जो है सर करने का, ऊंची ऊंची जो है चोटियों के ऊपर जाते हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का जो प्रेशर है एयर में
वो 70 मिलीमीटर है, यानी बहुत ही कम है। तो अगर इस बंदे ने स्पेशल जो है जो ब्रीदिंग अपरेटस है वो यूज ना किया तो ये मर जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर प्रेशर कम है और यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है, यानी जो बॉडी है उसके अंदर जो ऑक्सीजन है उसका प्रेशर ज़्यादा है और बाहर जो है जो एटमॉस्फेयर है उसमें ऑक्सीजन का प्रेशर कम है, तो ये तो बाहर आएगी, तो सूरत में डेथ हो सकती है। इसलिए वो क्या करते हैं, अपने साथ स्पेशल जो है यहाँ पे ये उन्होंने, आपने देखा होगा इन्होंने पीछे जो है ब्रीदिंग अपरेटस जो होता है कोई ब्रीदिंग अपरेटस ये यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ क्या है, डेथ। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? अब यहाँ डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर देखें, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो है कि ऑक्सीजन का जो प्रेशर है ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा है और बाहर जो ऑक्सीजन है उसका प्रेशर कम है, तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से बाकी भी गैसेस हैं इसमें, ऑक्सीजन के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड है उनका प्रेशर और इसका प्रेशर जो है टोटल प्रेशर होगा, और यहाँ भी गैसेज हैं, नाइट्रोजन गैस है, यहाँ जो प्रेशर है ये इसके मुकाबले में कम है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन जो है ये यहाँ से बाहर आना शुरू हो जाएगी, यानी बॉडी से ऑक्सीजन बाहर आना शुरू हो जाएगी, आप कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। ठीक है, तो उससे डेथ के चांसेस काफ़ी हो जाते हैं, इसलिए वो स्पेशल जो है ऑपरेटर साथ लेकर जाते हैं ताकि ऐसा मसला ना हो। तो फिर एरोप्लेन में क्या होता है, एरोप्लेन भी तो बहुत हाइट पे होते हैं, एरोप्लेन में प्रेशराइज केबल होते हैं, एरोप्लेन जो होता है इसमें जो केबल होते हैं ना, ऐसे कर लें केबल जिसमें पायलट होता है, उसमें प्रेशर जो ऑक्सीजन का होता है वो 150 मिलीमीटर के करीब होता है। एरोप्लेन जो है ये क्लोज केबन होता है, यानी उसमें ऑक्सीजन का प्रेशर मेंटेन होता है। आपने देखा होगा कि एरोप्लेन जो होता है एक ख़ास हाइट के ऊपर फ्लाई कर रहा होता है जहां पर ऑक्सीजन का प्रेशर 150 के करीब होता है, तो इस प्रेशर पे जो पैसेंजर होते हैं ये पायलट जो होते हैं उनको ब्रीदिंग में कोई मसला नहीं होता, स्मूथली जो है वो ब्रीथ कर सकते हैं कि बॉडी में ऑक्सीजन का प्रेशर कम है और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसका प्रेशर जो है वो ज़्यादा है, जिस वजह से ये ब्रीदिंग का जो प्रोसेस होगा ये स्मूथली होगा, कोई जो है पैसेंजर और जो पायलट होगा वो अनकंफर्टेबल फील नहीं करता। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है कि कोई मौसम जो है आगे ख़राब है, बादल आ गए हैं या पहाड़ी कोई बहुत ऊँची आ गई है, तो फिर उस एरोप्लेन को उस हाइट से ऊपर ले जाते हैं, तो उस सूरत में ये जो प्रेशर होता है ये डिस्टर्ब होता है, तो जो पैसेंजर होते हैं जहाँ वो बैठे होते हैं उनके ऊपर, आपने देखा होगा जिसमें भी कभी एरोप्लेन में सफ़र किया हो, तो वो शुरू में इंस्ट्रक्शन भी देते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो आपने क्या करना है, तो सूरत में क्या होता है कि वो मास्क जो है ऊपर से जहाँ वो पैसेंजर बैठे होते हैं वहाँ मास्क आ जाते हैं, तो फिर वो मुंह पे लगा लेते हैं और उससे जो है ये ब्रीथिंग का प्रोसेस जो होता है वो स्मूथली होता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो है जी एप्लीकेशन, ये तो ब्रीथिंग की होगी, हाइट पे जो सी डाइवर जो होते हैं जो समंदर की तह में जाते हैं, इसे एप्लीकेशन होगी स्कूबा, ये जो सी डाइवर्स होते हैं। स्कूबा क्या है? स्कूबा स्पेशल ब्रीदिंग अपरेटस इनके पास होता है। स्कूबा वो जो जाते हैं ना समंदर के नीचे, वो एक स्पेशल वो ले के साथ जाते हैं, अदरवाइज़ क्या होगा, उनकी डेथ हो सकती है। होता ये है कि जैसे ही सी डाइवर जो है ये नीचे जाएगा तो 40 मीटर के बाद जो है प्रेशर जो होता है 5 times बढ़ जाता है, यानी जैसे जैसे वो नीचे जाते हैं प्रेशर जो होता है वो बढ़ता है। जब प्रेशर बढ़ेगा तो वो जो अपने साथ ऑपरेटस लेके जाते हैं, सपोज़ उसमें जो ऑपरेटस है ब्रीदिंग का उसमें नाइट्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है, तो जैसे जैसे वो नीचे जाएगा प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ने से ये जो नाइट्रोजन गैस है ठीक है ये किस में आ जाती है, लिक्विड स्टेट में आ जाती है, या हाई प्रेशर पे नाइट्रोजन गैस जो है ये ब्लड के अंदर चली जाएगी और प्रेशर जो है तो ये गैशियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ जाती है।
अब जब ये स्कूबा जो है ऊपर आएगा, यानी सी डाइवर जो है ये ऊपर आता है, जो स्पेशल जो है ब्रीदिंग, ये स्कूबा जो है ये टर्म यूज़ होती है स्पेशलाइज्ड ब्रीदिंग अपरेटस, ये उसके लिए यूज़ की जाती है स्पेशलाइज्ड, ठीक है जी। तो उनके पास होता है, अगर नाइट्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस का जो मिक्सचर है वो लेके जा रहे हैं, ये 96% है और ये 4% है, तो इससे प्रेशर जो होगा ऑक्सीजन का इतना होता है कि वो स्मूथली जो है जो सी डाइवर है वो ब्रीदिंग जो है यानी इनहेल कर सकता है ऑक्सीजन। लेकिन हाई प्रेशर पे नाइट्रोजन गैस जो है ये भी ब्लड में शामिल होना शुरू हो जाती है और लिक्विड स्टेट में आ जाती है हाई प्रेशर। अब जब ये सी डाइवर जो है ये नीचे आ गया है, ये आप सही समझ लें, ये सी डाइवर है, ये इसने स्पेशल प्लेट जो है ये पीछे प्रेटस है इसके। अब जब ये ऊपर आएगा, दो कंडीशन है कि कोई हादसा हो गया नीचे, ठीक है, तो वो फौरन ऊपर आना चाहता है। अगर तो ये फौरन ऊपर आएगा तो जो नाइट्रोजन गैस है उसके ब्लड के अंदर शामिल हो गई, वो क्विकली बाहर आएगी। ज़ाहिर है वो प्रेशर जो है डिफरेंस है ना, यहाँ से यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, ऊपर प्रेशर जो है वो कम है, तो वो उसकी लाइफ रिस्क में आ जाती है, डेथ भी हो सकती है कि उतने प्रेशर के साथ वो जो नाइट्रोजन गैस उसके अंदर शामिल हो गई वो क्या होगा जी, वो बाहर आएगी, तो उससे जो है डेथ के चांसेस हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता बाहर आएगा, तो आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो जो ऑक्सीजन है वो उसमें शामिल होना शुरू हो जाएगी लिक्विड से गैशियस स्टेट में, तो वो ब्लड से बाहर आना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर वो जल्दी आता है किसी वजह से कि नीचे कोई हादसा हो गया तो जल्दी आता है, तो उस सूरत में चांसेस होते हैं डेथ के चांसेस होते हैं। तो होता ये है कि ये जो नाइट्रोजन गैस है ये अगर ब्लड के अंदर चली जाए तो बैंड जो हैं बॉडी के अंदर, ये यानी हाथों में या आपके जो जॉइंट्स होते हैं इनमें बैंड्स आ जाते हैं। अब इसका इलाज है, ऐसी कोई बात नहीं है कि उनको स्पेशल किस्म के केबन में रखा जाता है जहाँ प्योर ऑक्सीजन है, वो आहिस्ता 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 जो है वो क्या करेंगे, इनहेल करेंगे और नाइट्रोजन गैस जो है वो जो टोटल प्रेशर है नाइट्रोजन गैस का और ऑक्सीजन का ब्लड के अंदर है, जो टोटल प्रेशर जो है नाइट्रोजन ऑक्सीजन का जो लंग्स के अंदर है ब्लड के अंदर है, ये फ़र्क है। तो जैसे जैसे उसको प्योर ऑक्सीजन देंगे तो प्रेशर जो होगा ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा, तो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में जाएगी और जो नाइट्रोजन गैस है वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता जो है बाहर आएगी, तो उस सूरत में जो है उसके चांसेस होते हैं बचने के। लेकिन इसका इलाज है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, लेकिन रिस्क है लाइफ का। तो आजकल जो है नाइट्रोजन की जगह स्कूबा यानी जो स्पेशल प्रेशराइज्ड ब्रीदिंग अपरेटस होता है उसमें नाइट्रोजन की जगह हीलियम गैस जो है ये 96% और ऑक्सीजन गैस जो है ये 4% ली जाती है। तो इससे जो प्रेशर होता है वो इतना हो जाता है कि वो जो सी डाइवर होते हैं वो आसानी से ब्रीद कर सकते हैं। दूसरा ये है कि हीलियम है ये हाई प्रेशर पे भी ब्लड में शामिल नहीं होती, लेकिन क्योंकि ये एक्सपेंसिव है, ये उसके मुकाबले में ज़रा चीप है, तो इस वजह से जो है ये कम और ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है। क्लियर हो गया? तो ये अगर यूज़ किया जाए तो इससे कोई वो ख़तरा नहीं है कि वो जो सी डाइवर हैं जब ऊपर भी आएंगे तो, क्योंकि हीलियम गैस जो है ये प्रेशर में ब्लड में शामिल नहीं होती। ये प्रेशर को मेंटेन रखने में जो है जो कि ज़रूरी होता है इस ब्रीदिंग के लिए, दोनों का जो प्रेशर है वो टोटल प्रेशर है, जैसे कि डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर है कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस। तो हीलियम और ऑक्सीजन गैस है, यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस का जो टोटल प्रेशर होगा, यहाँ जो टोटल प्रेशर होगा ये ब्रीदिंग के लिए जो है सूटेबल है। लेकिन इसमें क्योंकि नाइट्रोजन गैस है इसमें हीलियम है, हीलियम गैस जो है अंडर प्रेशर ये उसमें शामिल नहीं होती ब्लड के अंदर, लेकिन नाइट्रोजन गैस जो है ये ब्लड में शामिल हो जाती है। अब जैसे ही ये सी डाइवर बाहर आएगा सरफेस पे आएगा या अर्थ पे आएगा,
तो अगर तो ये सडनली आता, फौरन आता है, तो उस सूरत में जो है चांसेस बहुत ज़्यादा हैं डेथ के। अगर ये स्लो आएगा तो उसके ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस चली गई है वो स्लोली स्लोली जो है वो बाहर आ जाएगी। लेकिन अगर वो क्विकली आता है तो ये फौरन आएगी बाहर, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस की वजह से, क्योंकि बाहर प्रेशर कम होगा और ब्लड के अंदर जो नाइट्रोजन गैस चली गई है उसका प्रेशर ज़्यादा है, तो इस वजह से डेथ के चांसेस होते हैं। तो बड़ी प्रैक्टिस जो है सी डाइवर करते हैं जो है, ये ऐसे नहीं है कि बस आप एक सिलेंडर लगाएं होता लगाएं, ऐसी बात नहीं है। पहले इनको ट्रेन किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद जो है। तो ये थी जी एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। नेक्स्ट जो टॉपिक है, मैं पहले एक ही रह गया है इस चैप्टर में, दैट इज़ वांडरवाल इक्वेशन। वांडरवाल इक्वेशन फॉर रियल गैस, आपने इसे पहले पढ़ा है कि आइडियल गैस जो हर कंडीशन पे बॉयज ला और चार्ल्स ला ओबे करती है, और रियल गैस जो हाई प्रेशर पे लो टेम्परेचर पे बॉयज ला चार्ल्स ला ओबे नहीं करती। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन आपने पढ़ ली हुई है, PV इज इक्वल टू nRT, दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन। प्रेशर वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है, दिस इज इक्वल टू n इज नंबर ऑफ मोल, r इज जनरल कांस्टेंट, e इज टेम्परेचर। अब ये गैस जो है, सॉरी ये इक्वेशन जब हम रियल गैसेस पे अप्लाई करेंगे तो हमें ये जो प्रेशर और वॉल्यूम जो है इसकी करेक्शन करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी, इसकी वजह क्या है? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में दो फॉल्ट है, टू फॉल्ट इन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस। क्या है जी? नंबर वन, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इज निगलिजिबल। कि गैस मॉलिक्यूल जो होते हैं, ठीक, उनका वॉल्यूम निगलिजिबल है। देखिए, अगर तो आइडियल गैस है, आइडियल गैस जो होते हैं इनका मॉलिक्यूल जो है इतना छोटा कंसिडर किया जाता है कि इसके बारे में कहते हैं कि इनका वॉल्यूम है ही नहीं, देर इज़ नो वॉल्यूम। जैसे आप देखें एग्जांपल, आप कि ये कंटेनर है, इसमें आइडियल गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं, आप इनका पॉइंट मैस समझ नहीं, ना होने के बराबर मैस। अगर इनमें आइडियल गैस है, अगर इन तमाम मॉलिक्यूल्स को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तो ये स्पेस बनेगी जिसमें आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। अब दिस स्पेस इज निगलिजिबल एज कंपेयर टू दिस स्पेस, यानी ये जो स्पेस है ये इस स्पेस के साथ अगर हम कंपेयर करें तो दिस इज निगलिजिबल, यानी ये होगा वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, दिस इज निगलिजिबल। अच्छा, एक टर्म यूज होती है वॉल्यूम ऑफ गैस, ये क्या होती है? व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ गैस? वॉल्यूम ऑफ गैस मीन अवेलेबल स्पेस इन विच मॉलिक्यूल्स कैन मूव, यानी वो अवेलेबल स्पेस जिसमें मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस। तो ये जो इक्वेशन है, दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन, इसमें वॉल्यूम ऑफ गैस को वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, यानी वॉल्यूम ऑफ कंटेनर मीन वॉल्यूम ऑफ गैस इन आइडियल गैस इक्वेशन, यानी PV इज इक्वल टू nRT, इसमें ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ गैस मीन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। लेकिन जो रियल गैसेस होती हैं, अब हम रियल गैस को देखते हैं, तो रियल गैस जो होती हैं उनके मॉलिक्यूल का वॉल्यूम होता है, रिजिड होती हैं, साइज में बड़े भी हो सकते हैं, इरेगुलर शेप भी हो सकती है। ये गैसेस के मॉलिक्यूल हैं रियल गैस। अगर हम इनको इकट्ठा कर दें एक जगह पे, दिस इज वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स
ऑफ रियल गैस. यहाँ पे ये गैस जो है आइडियल है, रियल. अब ये जो मॉलिक्यूल हैं इनके लिए ये स्पेस जो है ये फ्री है, और इस वॉल्यूम को बी कहते हैं. दिस इज बी. बी बी क्या है? बी इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम. यानी ये वो स्पेस है जिसमें मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करते. दिस इज नॉट अवेलेबल. मैंने आपको कहा है कि वॉल्यूम ऑफ गैस मीन अवेलेबल स्पेस इन विच मॉलिक्यूल्स कैन मूव. तो ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है, इस स्पेस में मॉलिक्यूल मूव नहीं कर सकते. ये जो स्पेस है इसमें मॉलिक्यूल जो है वो मूव कर सकते हैं. अब जो आइडियल गैस है इनके मॉलिक्यूल्स इतने जो हैं स्मॉल साइज में होते हैं कि अगर आप इनको एक जगह इकट्ठा कर लें तो ये जो स्पेस है वो निगलिजिबल होगी. लेकिन इस केस में जो रियल गैसेस हैं इनके मॉलिक्यूल का साइज भी बड़ा होता है, और ये जो है गैस टू गैस जो है ये वेरी करता है. तो यानी बी इज प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ मॉलिक्यूल. यानी मॉलिक्यूल जो हैं वो छोटे भी होते हैं, गैस रियल गैसेस के मॉलिक्यूल्स बड़े भी होते हैं. तो ये बी जो है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, ये मॉलिक्यूल के साइज के ऊपर डिपेंड करता है. तो यहाँ अगर हमें वॉल्यूम की करेक्शन करनी होगी तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज नॉट अ वॉल्यूम ऑफ गैस. तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज नॉट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर फॉर रियल गैसेस. क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल जो होते हैं उनका वॉल्यूम होता है, उसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते. जबकि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ये बताती है कि जो आइडियल गैस है उनके मॉलिक्यूल का साइज इतना छोटा है कि उन तमाम मॉलिक्यूल को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तो वो स्पेस इतनी कम होगी कि वो निगलिजिबल होगी. तो सूरत में जो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है वो वॉल्यूम ऑफ गैस होगा. लेकिन रियल गैस में जब हम इस इक्वेशन को करेक्ट करेंगे तो इसमें वॉल्यूम ऑफ गैस इज नॉट अ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर. तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस बी. बी क्या चीज है? बी इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम. बी इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम. क्लियर? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम मीन कि ये आपको वॉल्यूम जो है ये कंटेनर के वॉल्यूम्स को में से सब्ट्रैक्ट करना होगा. फॉर रियल गैसेस वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस बी. अगर एन मोल हैं तो फिर ये वॉल्यूम ऑफ गैस जो होगा ये वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस एन बी. यानी आपने अगर इस इक्वेशन को रियल गैसेस के लिए यूज़ करना है तो इसमें जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर नहीं है, बल्कि वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो कंटेनर का जो वॉल्यूम है उसमें से वो वॉल्यूम जो गैस मॉलिक्यूल का है वो सब्ट्रैक्ट कर दें. मैंने आपको कहा है कि गैस का जो वॉल्यूम है ये वो अवेलेबल स्पेस होती है जिसमें मॉलिक्यूल मूव कर सकता है. अब देखें ये कमरा जो है बिल्कुल खाली है, इसमें मैं इधर भी मूव कर सकता हूँ, इधर भी मूव कर सकता हूँ. लेकिन अगर इस कमरे में स्टूडेंट भी बैठे हों, ठीक है, चेयर भी पड़ी हों, तो फिर मेरे लिए जो अवेलेबल स्पेस होगी जिसमें मैं मूव कर सकूँगा वो क्या होगी? हाँ जी, वो क्या होगी? वो स्पेस होगी, ठीक है, जो स्टूडेंट ने ऑक्यूपाई की हुई है, जो चेयर ने ऑक्यूपाई की हुई है उसको माइनस करके आएगी. ठीक है, अब इधर भी चेयर हैं, इधर भी चेयर हैं, दरमियान में थोड़ा सा रास्ता है तो मैं उसी रास्ते में मूव कर सकता हूँ. मैं चेयर के दरमियान से यहाँ से मैं गुज़र सकता हूँ, ये देखें ना, मैं कैसे गुजरूँ यहाँ से? तो मैं चेयर में से नहीं गुज़र सकता, मैं जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं वहाँ से नहीं गुज़र सकता. तो इसका मतलब है कि जो मेरे लिए फ्री स्पेस है जिसमें मैं मूव कर सकता हूँ वो क्या होगा? कि ये जो स्पेस स्टूडेंट ने ऑक्यूपाई की हुई है, जो चेयर ने ऑक्यूपाई की हुई है, वो मुझे माइनस करनी होगी, तब मेरे पास जो फ्री स्पेस आएगी जिसमें मैं मूव कर सकता हूँ. तो ये आइडियल गैस के लिए जो इक्वेशन है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, जब इसको आप रियल गैसेस के लिए
यूज़ करेंगे। तो वी जो है दिस इज़ नॉट दी वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल जो है जो कंटेनर का वॉल्यूम है उसमें से जो गैस मॉलिक्यूल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं वो आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। क्योंकि वॉल्यूम ऑफ गैस मीन अवेलेबल स्पेस इन विच गैस मॉलिक्यूल्स कैन मूव। तो ये थी जी वॉल्यूम करेक्शन। तो इंशाल्लाह कल हम प्रेशर करेक्शन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।